बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 4.2। इसमें हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं? इसमें हम उन इक्वेशंस को डिस्कस करते हैं जो ज़ाहरी तौर पर तो क्वाड्रेटिक नहीं होते, बट ये है कि हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं किस में, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ये इक्वेशन जो है वो किस तरह की होती हैं वो ज़रा गौर से देख लो। ए एक्स की पावर 2n प्लस बी एक्स की पावर एन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सबसे बड़ी निशानी इसमें क्या है कि बेटा एक्स की जो पावर है, यहां अगर एन है तो इसकी डबल पावर 2n है, तो उसकी डबल पावर उसमें भी शामिल होगी। और ये अब खुद तो नहीं है क्वाड्रेटिक, बट हम इसको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? ये जो हमारे पास टर्म है एक्स की पावर एन, इसको आप लेट कर लो, एक डमी वेरिएबल मसलन वाई के इक्वल लेट कर लिया। और एक्स की पावर एन को जब आपने वाई के इक्वल लेट किया है, तो अगर हम इसका स्क्वेयर ले तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन का स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, और पावर पावर से मल्टीप्लाई कर 2n आ जाएगा। मीन्स कि एक्स की पावर 2n किसके इक्वल आ गया, वाई स्क्वेयर के। अब इसको अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a, और ये एक्स की पावर 2n की जगह क्या आ जाएगा, वाई स्क्वेयर, और प्लस b, और एक्स की पावर n की जगह क्या आ जाएगा, वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब ये कन्वर्ट हो चुकी है किस में, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्लियर? देख भी सकते हैं आप, यहां पर स्क्वेयर वाली टर्म है, यहां पर लीनियर है, और यहां कांस्टेंट। तो ये क्वाड्रेटिक में हमने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो बेटा सबसे जरूरी चीज इसमें, मैं फिर कह रहा हूं कि जैसे ये देखें क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे मैंने आपको कहा था, जो भी यहां टर्म होगी, जो उसकी पावर होगी, उसकी डबल पावर यहां होगी। तो यहां पर अगर पावर 3 है तो उसकी डबल कितनी होगी, 6। तो इसकी सबसे पहली आइडेंटिफिकेशन यही है। तो इंडिकेट कहां से इसको करना है आपने, यहां से एक्स की पावर 3 से, जो ये पावर होगी, देखें उसी को मैंने लेट किया था ना वाई, तो इधर वो क्या है एक्स की पावर 3, उसको क्या लेट कर रहे हैं हम, वाई। तो एक्स क्यूब को क्या लेट किया हमने, वाई। तो बेटा नेक्स्ट वही प्रोसेस, अगर मैं इनका स्क्वेयर लू तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 6 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। और इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं किस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये क्या बन जाएगा, 8, और एक्स की पावर 6 की जगह क्या आ जाएगा, वाई स्क्वेयर, और माइनस 19, और एक्स क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, वाई, और माइनस 27 एज इट इज इक्वल टू जीरो। तो देखो बेटा ये कौन सी रिड्यूस कर दिया हमने, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको हमने रिड्यूस कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब बिल्कुल बेटा सेम प्रोसेस, नेक्स्ट फैक्टराइजेशन अगर होती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ता है। बट इसके फैक्टर नजर वैसे ही नजर आ रहे हैं कुदरती तौर पर, कि हमें 19 चाहिए, और जो 8 और 27 है तो उनका डिफरेंस भी 19 ही आ रहा है, और चाहिए माइनस के 19, तो हमने माइनस के 27 और प्लस के 8 जो है वो ही कंसीडर कर लिए। तो इसके फैक्टर जो है वो ऑलरेडी हमें नजर ही आ रहे हैं। चलें, और फिर सेम कि अगर जब फैक्टर बना लिए इसके, तो कॉमन यहां पर 8y आ गया और y प्लस 1 आ गया, और इधर से माइनस 27 कॉमन और y प्लस 1, सेटिस्फेक्शन भी होगी कि y प्लस 1 और y प्लस 1 सेम है। तो इसके अलावा 8y माइनस 27 फैक्टर बन गया, और y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। और आपको पता है इसके अब कितने केसेस हो गए, दो केसेस हो गए, आइदर 8y माइनस 27 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। बेटा याद रखना है एक बात, ये ना हो कि आप y के यहां पर एक आंसर निकाल दें और एक आंसर y यहां निकाल दें, ये तो हमारे लिए डमी वेरिएबल है, उसके आंसर है। आपने देखना है कि उसके रूट डिग्री कितनी है, कितनी डिग्री वाली इक्वेशन थी, 6। तो बेटा लास्ट पर आप देखेंगे कि इसके आंसर भी 6 आएंगे, इसके 6 रूट्स होंगे। चलें उसके लिए फर्दर इसको प्रोसीड करते हैं। 8y माइनस 27 इज इक्वल टू 0 जो है, तो इसमें जब y किसके इक्वल आएगा, ये एक तो आ गया केस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और एक सेकंड केस कौन सा है, 8y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो पहले ये वाला केस, ये जरा शॉर्ट केस है, इसको कंसीडर कर लेते हैं। यहां से y किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 1 के। तो y को रिप्लेस करो, y किसके इक्वल लेट किया था, एक्स क्यूब के, क्योंकि टारगेट तो हमारा x के आंसर निकालना है ना, तो इसलिए y को रिप्लेस दोबारा कर दिया किसके साथ, x क्यूब के साथ। तो क्या बना बेटा, x क्यूब किसके इक्वल हुआ, माइनस 1 के। अब इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखो, तो ये माइनस 1 अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई। बेटा आपको फैक्टर बनाने आते हैं कैसे,
कि ये एक्स क्यूब किसका क्यूब है, एक्स का क्यूब है, और ये वन, ये तो शहजादा है, ये वन क्यूब भी है, स्क्वेयर भी है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये वन का क्यूब भी है और इज इक्वल टू जीरो। तो ये कौन सी फॉर्म बनी, याद है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, जी ए का स्क्वेयर, और प्लस क्या होता है, बी का स्क्वेयर, और अगर प्लस हो तो दरमियान में माइनस आता है और दोनों का प्रोडक्ट, याद होगा आपको, ठीक है। तो ये अब आपने फार्मूला यहां अप्लाई करना है, तो अप्लाई करते हुए ये क्या वैल्यू बन गई, ये x और ये 1, तो x प्लस 1 फर्स्ट वैल्यू का स्क्वेयर और 1 का स्क्वेयर 1, और यहां प्लस हो तो क्या लगाना है, माइनस, और दोनों का प्रोडक्ट क्या है, x मल्टीप्लाई 1 x आ गया, तो ये हमारे पास इसके फैक्टर बन गए। तो फिर वही केस कि x प्लस 1 या तो 0 के इक्वल है, और अगर x प्लस 1 0 के इक्वल है तो मींस कि x इज इक्वल टू माइनस 1 है, तो एक हमारे पास रूट आ गया। चलें नेक्स्ट, अगर ये फैक्टर 0 के इक्वल है तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो बेटा ये याद रखना इसके फैक्टर तो इम्पॉसिबल है, कभी भी नहीं बनेंगे। अब इस पर हमेशा ही क्या लगाना पड़ेगा आपको, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 में आपको नजर आ रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट भी 1 है, एक्स का कोफिशियंट माइनस 1 है और कॉन्स्टेंट 1 है, तो ए 1, बी माइनस 1 और सी 1 के इक्वल आ गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया और ए की वैल्यू पुट की, बी की, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आपने 4.1 में अब ये डिटेल से समझा हुआ है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 ही आ जाएगा और माइनस 4 आ जाएगा, और माइनस ये 3 स्क्वायर रूट आ जाएगी, और आपको पता है ये माइनस स्क्वायर रूट के अंदर है, तो जब माइनस स्क्वायर रूट के अंदर हो तो फिर क्या आ जाता है, याद है फर्स्ट चैप्टर में क्या किया था हमने, कि पहले इसके फैक्टर बनाए जाते हैं, ठीक हो गया, और सेकंड कौन सा हो जाता है, माइनस वन, और माइनस वन स्क्वायर रूट को क्या लिख दिया जाता है, आयोटा। तो फिर इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या वैल्यू बन जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और साथ क्या आ गया, आयोटा। और बेटा ये एक आंसर नहीं है, ये दो है, एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ, तो ओवरऑल फिलहाल आपने कितने आंसर निकाल लिए, 3। चलते हैं दोबारा इसकी तरफ, कि y प्लस 1 जब 0 के इक्वल था तो उसके मुताबिक हमने x के 3 आंसर निकाल लिए। अब ये भी तो था ना, 8y माइनस 27 इज इक्वल टू क्या है, 0 है, तो 8y किसके इक्वल आ जाएगा, वो उधर देखें, 8 उधर जा, ये 27 उधर जाकर प्लस हो जाएगा और 8 उससे डिवाइड हो जाएगा, तो y किसके इक्वल आ गया, 27 बाय 8 के। और y, चलते हैं शुरू में कि y किसके इक्वल पुट किया हुआ है, x क्यूब के इक्वल, तो हम y को रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, x क्यूब के साथ, और 27 ओवर 8 भी लेफ्ट साइड पर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो बेटा फिर आपके पास ये x का क्यूब तैयार हो गया और ये किसका क्यूब तैयार हुआ, 3 बाय 2 का, क्योंकि 27 3 का क्यूब हो गया और 8 किसका क्यूब है, 2 का। तो ये वही फॉर्म बन गई जो इधर हमने डिस्कस की थी, कि वही फार्मूला इस पर, ये दोबारा फार्मूला अप्लाई होगा। तो ये फार्मूले के मुताबिक ये पहली वैल्यू है और ये दूसरी वैल्यू है, तो x माइनस 3 बाय 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू स्क्वेयर प्लस सेकेंड वैल्यू स्क्वेयर, और अगर माइनस हो तो क्या लगाते हैं, प्लस, और दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x बाय 2 हो जाएगा। तो यही फार्मूला इधर अप्लाई कर दिया हमने। इसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो इसके दो फैक्टर बन चुके हैं, या तो ये 0 के इक्वल है और ये, या फिर ये सारा 0 के इक्वल है। तो अगर हमारे पास ये सारा 0 के इक्वल है या फिर ये सारा 0 के इक्वल है, तो बेटा इसमें अब क्या आ जाएगा कि x माइनस 3 बाय 2 इज इक्वल टू 0 है, तो ये तो आसानी के साथ आंसर आ गया कि अगर x माइनस 3 बाय 2 0 है तो इसका मतलब है x किसके इक्वल होगा, ये उधर जाकर प्लस का हो जाएगा और 3 बाय 2 के, तो ये हमने एक और आंसर इसका निकाल लिया। अब चलते हैं इसकी तरफ, ये भी तो 0 के इक्वल है ना, तो इसको जब हमने 0 के इक्वल रखा और नीचे हमने इसको, क्योंकि फार्मूला अप्लाई करना है इसलिए इसके नीचे तो कुछ नहीं है, ये 2 है ये 4 है, तो एलसीएम आया 4, 4 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, और इसको 4 से किया कैंसिल तो 2, 2 ऊपर मल्टीप्लाई होकर 6x, और ये 4, 4 से कैंसिल होकर 9, मींस कि हमने इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया है, 4 से, और 0 से मल्टीप्लाई भी करेंगे मगर वो 0 ही हो जाएगा। अब ये फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म में चला गया है, इसमें a 4 है, b 6 है और c 9 के इक्वल है।
अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला में वही माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए और ये सी और इंटू टू ए, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सिक्स स्क्वायर 36 माइनस इनको मल्टीप्लाई किया 144 हो गया, तो ये एक सर्ड बन चुकी है हमारे पास माइनस 108 स्क्वायर रूट, ठीक है। और इस टाइप की सर्ड जो कि आप आठवीं नौवीं क्लास में पढ़ते रहे हो, इसको कैसे सॉल्व करते हो, ये प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो इसको इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन जो आपको आती है, टू से पहले किया 54, फिर टू से किया फर्दर करके, या फिर इसको देखते हो पेयर, ये टू का पेयर बना मीन स्क्वेयर बना, फिर ये दोनों वैल्यूज थ्री का बन गया, बट एक थ्री वैसे ही रहा, और जो स्क्वेयर बन जाते हैं फिर वो अंडर रूट से बाहर आ जाते हैं, एक बेचारा थ्री अंदर ही रहा, तो ये टू मल्टीप्लाई थ्री जो है वो सिक्स अंडर रूट थ्री इसका रिजल्ट आ गया। तो इसको फिर हमने सिक्स अंडर रूट थ्री फॉर्म में लिख दिया, तो हमने माइनस भी था उसको भी साथ लिख दिया, सिक्स बाहर लिख दिया और माइनस थ्री अंडर रूट अंदर, और माइनस स्क्वेयर रूट के अंदर हो तो उसको इलिमिनेट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, आयोटा। तो बेटा इससे फिर हमने सिक्स कॉमन भी ले लिया, सिक्स कॉमन लेने के बाद ये जो कॉमन आया इसको एट से क्या कर दिया हमने, सिंप्लीफाई किया ऊपर थ्री टू पर सिंप्लीफाई करने से, और एट फोर आ गया, तो ये बेटा इसका रिक्वायर्ड हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। और बेटा ये भी कितने आंसर है, ये दो आंसर है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो अब किस्सा मुख्तसर, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और हमने छह के छह इसके रूट्स निकाल लिए हैं, और वो कौन कौन से आए थे, एक पहले एक्स माइनस वन आया, फिर दो ये आए, कितने हो गए तीन, और इसके बाद एक ये आया और उसके बाद दो ये आए, तो कितने हो गए टोटल छह हो गए, और उनको हमने सॉल्यूशन सेट फॉर्म में यहां लिख दिया, माइनस वन थ्री बाय टू और फिर ये दो ये हैं दो ये, टोटल कितने हो गए सिक्स। और फिर वही चीज जो मैं रिपीट करने लगा हूं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था इसकी डिग्री कितनी है, सिक्स है, तो आंसर भी इसके कितने आने सिक्स ही आने। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, लेंथी क्वेश्चन है, बट परेशान ना होना, इसको फर्दर सुकून से चलाते रहोगे तो इंशाल्लाह ये कोई प्रॉब्लम नहीं बनाएगा जी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 4.2 का लेक्चर नंबर जो 2 हमारा कंटिन्यू है, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं जी। क्या है स्टेटमेंट हमारे पास, x रेज टू पावर 2/5 प्लस 8 इज इक्वल टू 6 x रेज टू पावर 1/5। जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में स्टार्टिंग में इस लेक्चर में कहा था कि बेटा ये डायरेक्ट देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बट इसको हम चेंज कर सकते हैं उसमें, और उसकी एक ही निशानी बताई थी, देखें x की पावर 1/5 है, इसकी डबल पावर कितनी बनती है, मल्टीप्लाई 2 करें तो 2/5 वो भी मौजूद है, तो इस वजह से हम इसको वैसे ही स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये जो वैल्यू हमारे पास x की पावर 1/5, इसको क्या लेट करते हैं y, तो अगर बेटा इसका स्क्वायर लेंगे तो y स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, x की पावर 2/5 के। अब इन दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं किस इक्वेशन में, 1 में, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या जनरेट हो जाएगी, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास, x की पावर 2/5 की जगह पर क्या आ जाएगा, y स्क्वायर, और आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस 8 एज इट इज आ गया, और इज इक्वल टू ये क्या है 6, और इसकी जगह हमने किसको लिखा है y को, तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, y स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6y। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए 6y को आप लेफ्ट साइड पर ले आओ और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन चुकी है इन स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसके फैक्टर बनाओ, कौन कौन से इसके फैक्टर बनेंगे 8 के, 2 और 4, क्योंकि रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें माइनस 6 चाहिए, तो दोनों माइनस के ले लिए, और हमने इसको कॉमन लिया वाई, और इधर से कॉमन क्या आ रहा है माइनस 4, और वाई माइनस 2, वाई माइनस 2 बिल्कुल सेम है, सेटिस्फेक्शन भी हो गई कि फैक्टर ठीक है, और यहां पर हमारे कौन से फैक्टर जनरेट हो गए, y माइनस 4 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 जी। कितने केस बनेंगे, दो केस, आइदर y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2, और y अगर 4 के इक्वल है तो रिप्लेस करो, y किसके इक्वल एड किया था, x की पावर 1/5 के, तो y को रिप्लेस किया x की पावर 1/5 से, तो वो किसके इक्वल होगी 4 से। अब बेटा आपने 1/5 को इलिमिनेट करना है, आपके पास एक ही चॉइस है, आप क्या करो दोनों साइड की पार कितनी लो 5, ताकि ये 5 से क्या हो जाएगा कैंसल आउट, और हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी, तो यहां 1/5 कैंसल आउट हुआ 5 से, तो x किसके इक्वल आया 4 रेज टू पार 5 किसके इक्वल होती है 10^24 के,
और इस तरह अगर इसको देखें जो y इज इक्वल टू 2 आया था, तो y को जब रिप्लेस किया x की पावर 1/5 से, तो फिर 1/5 पार कैंसिल आउट करने के लिए टेकिंग 5 पार ऑन बोथ साइड, तो 5 से कैंसिल होकर x आ गया और 2 की पावर 5 32। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास कौन से आंसर्स आ गए, 32 एंड 1024। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जी बेटा, ये थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन वो देगा थोड़ा सा आपको आइडियोलॉजी करने के लिए, और ताकि टारगेट फिर वही है कि हमने इसको पहले कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ये देखिए, 4 × 2^2x + 1, 9 × 2x + 1 इज इक्वल टू 0। जी, और याद है बेटा, इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी इक्वेशन बोल सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो जो वेरिएबल है वो अक्कर इन एक्सपोनेंट फॉर्म, वो पावर की जगह पर आ रहा है वेरिएबल, इसलिए इस वक्त हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कह सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा ब्रेक करें, आपको पता है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 2x + 1 जो पावर है इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2x सेपरेट हो गई और 1 पावर इसकी सेपरेट हो गई। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर इसको दोबारा से देखें तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पावर ऐड होकर आप ऊपर वाला स्टेप दोबारा लिख सकते हैं। तो जब इसको ऊपर वाला लिख सकते हैं तो उसको ब्रेक करके ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसमें आपको पता है कि ये 2 की पावर 1 मीन 2, अब वो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 4 से, तो 8 आ जाएगा, क्लियर। और इसके साथ साथ ये नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 9 × और 2 की पावर एक्स है, ये एज इट इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास अब ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, यही से हमने पिछले क्वेश्चन में इंडिकेट किया था, और इस क्वेश्चन में भी 2 की पावर एक्स को हम क्या लेट कर लेते हैं, y के इक्वल, और स्क्वायर लेने से y स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 2 की पावर 2x के। और चलते हैं इक्वेशन नंबर 1 की तरफ, अब वो क्या बन जाएगी, ये देखो बेटा, 4 × 2 = 8 और 2 की पावर 2x किसके इक्वल है, y स्क्वायर के, तो ये बना 8y स्क्वायर माइनस 9y और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये कन्वर्ट हो चुकी है किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक, ये देख भी सकते हो, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में कंप्लीट बन चुकी है, क्योंकि पहले y स्क्वायर का आंसर है, फिर y है और फिर कांस्टेंट टर्म है। अब इसको वही फैक्टराइजेशन करते हैं, सिंपल से फैक्टर इसके बन रहे हैं, इस वक्त 8 और 1 का प्रोडक्ट 8 है, तो उसके फैक्टर भी 8 और 1, क्योंकि हमें कितना जनरेट करना है, -9, और दोनों हमने माइनस के लिए, क्योंकि इनका सम भी -9 के इक्वल है और प्रोडक्ट भी 8 के इक्वल है। खैर, अब इसके बाद नेक्स्ट हमने 8y इसमें से कॉमन लिया, और इधर से -1 कॉमन लेने से ये इसकी साइन भी चेंज हो गई, और सेटिस्फेक्शन भी होगी कि y -1 और y -1 दोनों सेम आ रहे हैं। इसके बाद ये दो फैक्टर्स बन गए और दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब या तो फर्स्ट 0 के इक्वल है या फिर सेकंड 0 के इक्वल है। तो यहां से 8y = 1 है, सो y = 1/8, और y -1 = 0 है, सो y = 1। अब वही दो केसेस बन जाएंगे, ये y तो हमारे लिए एक डमी वेरिएबल है, टारगेट तो हमारा x जनरेट करना है। जी, तो y को क्या लेट किया था आपने, 2 की पावर x, तो फिर जब y 1/8 के इक्वल है, तो y को रिप्लेस कर दिया किससे, 2 की पावर x से, तो 2 की पावर x अब किसके इक्वल होगी, 1/8, तो 2 की पावर x, अब 8 जो है उसको आप लिख सकते हो 2 का क्यूब। अब आपको पता है अभी इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये डिनोमिनेटर फॉर्म में है और ये नोमिनेटर फॉर्म में है, आप 2 की पावर 3 को ऊपर ले जाएं तो 2 की पावर यहां ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, -3। अब आपको पता है ये बेसिक रूल का कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स भी सेम होती है, तो 2 इधर बेस 2 है, इधर भी बेस 2 है, तो जब 2 2 के इक्वल है तो फिर x किसके इक्वल होगा, -3। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट y कितना आया था, 1 के इक्वल, तो y इज इक्वल टू 1 है, तो y को रिप्लेस किया किसके साथ, 2 की पावर x के साथ, जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो फिर ठीक है, ये देखो 2 की पावर x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1, क्योंकि हमारा टारगेट होता है कि अगर इधर बेस 2 है तो उधर भी बेस कितनी होनी चाहिए, 2। तो बेटा 1 जो है इसको तो आप किसी भी बेस बना सकते हो, आप 1 को लिख सकते हो 2 की पावर 0, क्यों, क्योंकि 1 को अगर ऐसे लिखेंगे तो एक तो बेस सेम हो जाएगी और इसका रिजल्ट भी किसी चीज की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के, तो इसका मतलब 1 को हमने क्या लिख लिया, 2 की पावर 0। अब फिर वही प्रोसेस कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स भी सेम होती हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर बेस सेम है तो फिर x इज इक्वल टू 0।
तो यहां से हमारे पास दो रिजल्ट आ गए x के, एक तो x माइनस थ्री और x जीरो, तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, माइनस थ्री एंड जीरो। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन जो है वो लिखी हुई है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस फोर प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। बेटा रेसिप्रोकल इक्वेशन जैसे कि आपको पता है बाय डेफिनेशन देखा जाए कि ऐसी इक्वेशन होती है जिसको एक्स को रिप्लेस भी कर दिया जाए वन ओवर एक्स से तो फिर भी इसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। और इसके अलावा और क्या निशानी होती है इसकी कि अगर इसको बिगनिंग और एंड से देखा जाए तो जो फर्स्ट टर्म होगी और जो लास्ट टर्म होगी उनके कोफिशियंट सेम होंगे। देखो एक्स स्क्वेयर का ये फर्स्ट टर्म है ये लास्ट टर्म है, कोफिशियंट इसका भी वन है इसका भी वन है, फिर ये कौन सी टर्म है सेकंड और उधर से वो सेकंड लास्ट है उनके भी कोफिशियंट सेम है तो इसकी ये निशानी होती है। अब इसको आपने कैसे करना है, वही फर्स्ट और लास्ट टर्म उनको आपने कंबाइन करना है, इधर से सेकंड और उधर से सेकंड लास्ट उनको कंबाइन करना है और ये मिडल जो टर्म है इसको मैंने लास्ट पर लिख दिया। यहां से हमारे पास एक आइडिया बनता है कि अगर हम इसको x प्लस वन ओवर x को रिप्लेस कर देते हैं एक सिंगल डमी वेरिएबल से मसलन y, तो y इज इक्वल टू अगर हम x प्लस वन ओवर x लिखते हैं तो इसके बाद हमें अकॉर्डिंग टू y इसकी वैल्यूज भी जनरेट करनी है, इसके लिए हम इसका टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड करते हैं तो बेटा ये क्या हो जाएगा y स्क्वेयर और इसका जब स्क्वेयर लेंगे तो क्या आएगा a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2 और a भी आपस में कैंसिल हो जाते हैं इस सिस्टम में तो फिर वो जस्ट प्लस 2 ही हो जाते हैं। हमारा टारगेट इसकी वैल्यू निकालना है तो बेटा 2 को आप लेफ्ट साइड पर ले आओ तो ये किसके इक्वल आ जाएगी y स्क्वेयर माइनस 2 और ये किसके इक्वल आ गया x स्क्वेयर प्लस 1 ओवर x स्क्वेयर के। अब चलते हैं अपनी इक्वेशन फर्स्ट की तरफ, इसको सब्सिट्यूट करते हैं, यहां हमने इसका आंसर निकाल लिया है इन टर्म ऑफ y कितना है y स्क्वायर माइनस 2 तो इसकी जगह आप लिखोगे y स्क्वायर माइनस 2 और प्लस इसके बाद हमने इस x प्लस 1 ओवर x को क्या लेट किया था y तो वो उसको y लिख दिया और एंड पर क्या है माइनस 4 और हमने उसको माइनस 4 लिख दिया। यहां पर ये माइनस 2 और माइनस 4 को हमने सिंप्लीफाई करके क्या लिख दिया माइनस 6 तो बेटा अब हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन चुकी है तो सबसे पहले इजी वे होता है अगर उसके फैक्टर बन जाए तो देखो इसके फैक्टर बन चुके हैं, 6 के चाहिए थे 3 और 2 और प्लस का 1 चाहिए था प्लस का 3 रख लिए और माइनस के 2 रख लिए। नेक्स्ट वही सेम प्रोसेस कि y कॉमन लेकर y प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लेकर y माइनस 3 तो एक कौन सा फैक्टर बना y माइनस 2 एक कौन सा बन गया y प्लस 3। अब इसके बाद ये प्लस 3 हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लेने से ये हमारा साइन चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहां से y किसके इक्वल आ गया 2 के और यहां से y किसके इक्वल आ गया माइनस 3 के। ये तो y जो हमारा एक डमी वेरिएबल था उसके आंसर नहीं निकालने हैं, टारगेट तो हमारा x के आंसर निकालने हैं तो अब इसको दोबारा जहां सब्सिट्यूट किया था y को क्या लेट किया था x प्लस 1 ओवर x तो y को वापस करो क्या कि y किसके इक्वल है x प्लस 1 ओवर x के तो जब y इज इक्वल टू 2 है तो y को रिप्लेस किया x प्लस 1 ओवर x से तो ये क्या बना x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और ये x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 आ गया। इसको फ्रैक्शन खत्म करने के लिए इस पूरी को x से मल्टीप्लाई करो तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, इसका x कैंसिल होकर 1 आ जाएगा और x इससे मल्टीप्लाई होकर 2x हो जाएगा तो ये हमारे पास न्यू फॉर्म कौन सी बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए 2x को इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये बेटा नजर आ रहा है ये किसका स्क्वायर है x माइनस 1 का होल स्क्वायर तो इज इक्वल टू 0 इसका मतलब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 सो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको याद होगा हमारे पास y के कितने आंसर आए थे 2 y इज इक्वल टू 2 उसके बिहाफ पर हमने x की आंसर निकाल लिया 1 और जो y इज इक्वल टू माइनस 3 था अब उसके मुताबिक y माइनस 3 था तो अब हम y को दोबारा सब्सिट्यूट करते हैं किसके साथ x प्लस 1 ओवर x के साथ ये स्टार्टिंग वाला जो है तो अब x प्लस 1 ओवर x किसके इक्वल हो जाएगा फिर माइनस 3 के इक्वल हो जाएगा
फिर बेटा आप फ्रैक्शन खत्म करने के लिए एक्स को आप पूरी इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, वन रह जाएगा और इससे मल्टीप्लाई होकर वो माइनस थ्री एक्स हो जाएगा। तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए माइनस थ्री एक्स को आप राइट साइड पर ले आओ तो ये प्लस थ्री एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। अब बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन चुकी है क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब इसके बाद फैक्टर इसके नहीं बन रहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लो। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके ए की वैल्यू वन, बी थ्री, सी वन, और ये सिंप्लीफिकेशन बहुत सिंपल सी है। और यहाँ पर रिजल्ट कितना आ गया, माइनस थ्री, ये दो इसके आंसर हो गए। एक पहले आंसर आ गया और दो ये आपने उनको किस में लिख लिया, सॉल्यूशन सेट में। तो ये इस तरह हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट।